क्या है भैया ये क्या है? ये मंडल आर्ट है। हाँ मंडल आर्ट। हाँ और इधर जो आउटसाइड दैट सिंबलाइजेस हैप्पी फैमिली एंड लव। जी जी तो हेलो गाइज, अभी हम आ गए हैं आरएम हॉल जहाँ पे पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई गई है एंड काफी अच्छी अच्छी पेंटिंग लगाई गई है। एंड ये है आरएम हॉल, देख सकते हैं। इस सीढ़ी से होकर के हम ऊपर चढ़ेंगे एंड एग्जीबिशन हॉल में चलेंगे। तो चलिए गाइज चलते हैं एंड अब खुद ही देखिएगा एक बार कि पेंटिंग कितना बेजोर बनाते हैं नाइटी राउरकेला के स्टूडेंट्स। फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं पेंटिंग एग्जीबिशन वाली जगह पे। यहाँ पे भैया है, गार्ड भैया है। तो गाइज ये रहा पेंटिंग एग्जीबिशन का जगह। गाइज यहाँ पे तरह तरह के पेंटिंग लगाए गए हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट लोग देखने भी आए हैं एंड आगे भी चलते हैं। इधर भी लगा हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए गाइज, यहाँ देखिए इस साइड देखिए एंड यहाँ पे मेरा 10 लोग है जो पहले से पेंटिंग देख रहा है। सुनो लोग इधर देखिए, यहाँ पे कुछ क्राफ्ट वर्क बना हुआ है इसरो का, देख सकते हैं। ये माइक्रो वर्क है, पेंसिल पेंसिल के जो नोक होता है ना उसपे एक डिजाइन बनाया गया है, आकृति बनाई गई है। तो आप उसको इस लेंस से जूम करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट है क्या। शायद आपको दिख रहा होगा, इसे जूम करने में पता चलता है कि एग्जैक्ट है ये क्या। ऐसे आपको खुली आंखों से ये नहीं दिख पाएगी तो आपको लेंस से ही देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ अभी सभी चीज एनआईटी के स्टूडेंट ही बनाए हैं, कहीं बाहर से कोई नहीं आए हुए हैं। एंड इधर भी है, इधर इधर भी क्या है, बोलो ना। इसमें भी कुछ माइक्रो चीज यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, दिख रहा है क्या आपको। तो यहाँ पर भी इसी टाइप का कुछ बना हुआ है, खान पान का। ये जैसे ये आपको दिखने रहा होगा, ये डोसा बना हुआ है, ये पिज्जा बना हुआ है, ये टॉफी बना हुआ है यहाँ पे एंड ये ऑरेंज है, संतरा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे माइक्रो डिजाइन बनाया गया है, आप देख सकते हैं। पेंटिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चलिए नजदीक से और भी दिखाते हैं। एंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी एक पेंटिंग है। साइज यहाँ पे धागा को धागा से बनाया गया कुछ तस्वीर। यहाँ पे ये पेपर को कट कर करके बनाया गया है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर भी कुछ आकृति बनाई गई है। एंड इस साइड और तरीके से छठ पावन का देखिए, ये क्लब से क्या है भैया ये क्या है? ये मंडल आर्ट है। हाँ मंडल आर्ट। हाँ और इधर जो आउटसाइड दैट सिंबलाइजेस हैप्पी फैमिली एंड लव। जी जी दिस इज लाइक हम लोग छठ पावन हम लोग बिहार में लग रहा है प्रतीक टाइप हमको। ये वाला ये देख रहे हैं पायरो आर्ट, ये पायरो आर्ट है। इसमें जो हीट जैसे इसको सोल्डरिंग आयरन से बनाया जाता है, ये सोल्डरिंग आयरन से बना हुआ है। गाइस ये सोल्डरिंग आयरन हीट करके इसको बनाया गया है, जला जला के बनाया गया होगा। जला जला के इसको बनाया गया है। एंड ये वाला यहाँ बनाया भैया, बनाएंगे भैया देख सकते हैं। ये वाला बनाया एमसील से, एमसील हाँ। मटका है ये, और ये टिश्यू पेपर से बना हुआ, टिश्यू पेपर से बनाइए। टिश्यू पेपर जो हाथ पोछते हैं अपने लोग चाउमीन खाकर के, उसी से बना हुआ है। एंड भैया ये क्या, ये वाला एक सेकंड ईयर की लड़की बनाई है। और ये वूल से बना है, वूल से बना हुआ है, वूल से चिपका चिपका करके इसको बनाया गया है। तो सेकंड ईयर की हमारे एनआईटी राउरकेला के एक स्टूडेंट ने बनाई है। एंड ये पुट्टी से बना हुआ है, ये पुट्टी से बना हुआ डिजाइन है, आकृति है, डिजाइन है गाइस। एंड इस साइड में ये सब तो गाइज ये सब पेंटिंग्स बनी हुई है डिफरेंट टाइप की, आप देख सकते हैं कितना भी जोर लग रहा है, बस आप देखिए इसको। एंड ये जीटीए जो आप लोग खेलते हैं ना, वही का ऐसा कुछ कैरेक्टर है यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये मॉडर्न आर्ट है, ये ना ये मॉडर्न आर्ट है गाइज, क्योंकि हमको इतना आइडिया नहीं है ना, जो यहाँ पे करवा रहे हैं उनको तो ज्यादा आइडिया है, तो हम कुछ बोल रहे हैं इसमें उतना नहीं ध्यान दीजिएगा, बस फील तो समझिए। एंड ये पॉप आर्ट है गाइज, ये पॉप आर्ट है गाइज, पॉप आर्ट, ये मॉडर्न आर्ट है गाइज। ये वाला
ये फोर्थ ईयर के भैया ने बनाया है। और ये भैया प्रेजिडेंट भी है, जो क्लब थे ना उनका प्रेजिडेंट भी थे, बोला किया वही भैया ने इनको बनाया है। आगरा है एंड ये सब देखिए गाइस, ये डॉट आर्ट है गाइस, एंड ये भी अच्छा है, देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं गाइस, इधर भी काफी अच्छा आर्ट लगा हुआ है। एंड बाकी आप एक बार यहाँ से बाहर देखिए भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एग्जीबिशन हम लोग ही बनाए हैं और ये हमारा फिफ्थ मतलब सेशन है, 5 साल से हम लोग ही कर रहे हैं। थैंक यू भैया। यार ये आर्ट देखेगा, ये खुद हाथ से बनाई गई है, बीट से बना हुआ ये अरे यार ये दिख रहे गोल गोल बीट्स है। हाँ। और दूसरे को भी तो पूरा नेल पेंटिंग से। अरे ये आर्ट तो कोई हाथ से बनाया गया आर्ट है, ये कुछ बीट करके बोल रहे हैं भैया, उससे बनाया गया आर्ट है, बहुत तगड़ा है यार, क्या बताया आपको, मतलब आंख से तो विश्वास नहीं हो रहा है कि है, तो आप तो फिर भी कैमरा में देख रहे हो, कहाँ से विश्वास करोगे, फिर भी कर लो विश्वास। एंड यहाँ पे गाय देखिए, अक्टूबर है ये क्या भैया, अक्टूबर में ब्लैक इंक से बनाते हैं और जो 31 डेज है हाथ से ही बनाया गया, लेकिन हाथ से बना करके इसको प्रिंट आउट करके फिर निकाला गया है। हाँ। ये जो मूवी जा में आप एनिमी देख रहे हैं उसी पर उसी का आर्ट है, बहुत अच्छा तरीका से देख सकते हैं आप, इसका करेक्टर है, ये किसी फिल्म का या मूवी का करेक्टर होगा, ये सब कार्टून का करेक्टर होगा, तो ये भी आर्ट बहुत तगड़ा लग रहा है। एंड यहाँ पे एक आर्ट देख लीजिएगा, विदोर आर्ट, ये क्या भैया, ये एक गेम का है, एक गेम को दिखाया गया है, अच्छा है गाइस। एंड इधर तो आप लोग दिखाए ही थे, तो यही है गाइस। और भैया अरे ये चांद, ये चांद गाइस, ये चांद तो देखिए रियल चांद यहीं पे है। एंड ये आप तो देखे, ये पुट्टी से बनाया गया, पुट्टी से बनाया गया है। एंड अरे तरीके ये भी जोर लग रहा है, देख लीजिए अच्छा लग रहा है। एंड तो गाइज उधर भी चलते हैं, एंड इस एरिया में तो हम देख लिए, एंड आगे के एरिया में चलते हैं, काफी बड़ा यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है, एंड क्योंकि बैटरी भी डाउन होने वाला है, 1% बैटरी बाकी है, तो ज्यादा हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आपको हम दिखाने का कोशिश करते हैं। एंड अचानक अगर बंद हो जाए कैमरा तो समझिए कैमरा बंद हो गया, बैटरी डाउन हो चुका है। एंड यहाँ पे आप रेटिंग भी दे सकते हैं, यहाँ से आप आपको जो लगा रेटिंग दीजिए यहाँ पे, आप उनके बारे में कुछ आप बोल सकते हैं, एंड सामने भी आप रेटिंग दे सकते हैं, आपको कैसा लगा, जस्ट साइड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छा अच्छा पेंटिंग लगाया गया है। एंड उधर भी देखिए, इस साइड देखिए, ये कुछ लिखा हुआ बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ लीजिए आप खुद ही। एंड इस साइड भी देखिए, एंड मैम लोग हैं इधर, कब से भी यार आ जाएंगे, आ तो प्रेसिडेंट भैया, ये हमारे ये भैया ही अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इस साइड का। तो गाइस यहाँ का जो पेंटिंग एग्जीबिशन थी आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बैटरी डाउन होने वाला है तो इसको यहीं पे हम बंद करने वाले हैं। एंड ये सभी चीज एनआईटी राउरकेला के स्टूडेंट ने ही बनाया है, जो यहाँ का क्लब है, तो काफी आप देखे ही, तो आपका क्या राय है ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।